بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين معزز ناظرين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسلّي مجلسوں کی طرح اج کی مجلس میں بھی ایک سچا واقع لے کر اپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور سب سے اهم یہ کہ ہم اور اپ غور کریں कि उस वाक़े में हमारे लिए हमारी बहनों के लिए क्या सबक है और उससे हमें क्या इबरत लेनी चाहिए ये वाक़ सही मरवी है कि बनु इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम था जुरेज वो एक ताजिर शख्स था तजारत करता था तजारत में जैसा कि तजारत का मामला है कभी फायदा हो कभी नुकसान कभी फ़ायदा कभी नुकसान ये मामला चल रहा था एक दिन अल्लाह तबारक वाली ने उसके दिल में ये बात डाली कि हम कोई ऐसी तिजारत क्यों ना करें जिसमें नुकसान न हो जिसमें घाटा न हो ये दुनिया की तिजारत है आज फायदा हो रहा है कल हमें नुकसान हुआ था कल नुकसान होगा तो हम कोई ऐसी तिजारत करें जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा हो जब जुरेज ने ये देखा कि सिर्फ एक ही ऐसी तिजारत है जिसमें कोई घाटा नहीं है यानी अल्लाह तबारक तआला के साथ तिजारत लिहाजा अपने सामान को अपनी तिजारत को अपने माल को छोड़ा और शहर से बाहर एक कुटिया बना ली एक सोमा जिसे इबादत गाह कहते हैं बना करके उसमें इबादत करने लगे। उस वक्त नशहरा के इबादत गाह की सूरत ये रहा करती थी कि उनकी इबादत गाह जमीन से कुछ ऊपर बनाई जाती थी और रस्सी के जरिए या किसी और जरिए से ऊपर चढ़ते थे और सिर्फ कभी बहुत सख्त जरूरत पेश आई इंसानी जरूरत तो नीचे आया करते थे वरना वहीं पर लोगों से बिल्कुल कट करके ताकि वहाँ कोई पहुँच ना सके अल्लाह की इधर किया करते थे जुड़ैज अपनी इबादत में मशगूल रहते थे और उनकी वालदा कभी कभार उनके पास जाती चुरेज सोमा से अपना सर बाहर निकालते अपनी वालदा से बात करते और वालिदा वापस चली जाती फिर जुरेज अपने इबादत में मशगूल हो जाती एक बार ऐसा हुआ अल्लाह का करना ते जुरैज रहमतुल्लाह की वालदा उनसे मुलाकात के लिए आती हैं। उस वक्त हरते जुरैज नमाज में मशगूल थे और नमाज में इस कदर मशगूल थे उन्हें इतनी लज्जत आ रही थी कि जब उनकी वालदा ने पुकारा कि ए जुरैज ए जुरैज इस तरीके से हमेशा आवाज देती थी वो कहने लगे कि ए मेरे रब एक तरफ मेरी वालदा मुझे आवाज दे रही है और दूसरी तरफ मैं नमाज में मशगूल हूं अब मैं क्या करूं उनकी समझ में न आया और नमाज में मशगूल रह गए उनकी वालदा ने कुछ देर इंतज़ार किया लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला तो वापस चली आई इतफाक़ ये कि दूसरी बार या दूसरे दिन आलम हो सकता है उसी दिन दूसरी बार हो लेकिन जो मजकूर है वो दूसरी बार दूसरी बार दूसरा दिन भी हो सकता है फिर दूसरे दिन उनकी माँ जाती है तो इत्तेफाक ऐसा ये देखिए अल्लाह ताला की बसाओकात आजमाइश होती है इतफाक ऐसा कि उस वक्त भी वो नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज में बहुत ही मशगूल है और बड़े खुशू के साथ और नमाज पढ़ रहे हैं उन्हें बड़ी लजत मिल रही है जब उनकी वालदा आवाज़ देती है कि अः जुरैज ए जुरैज मैं तुम्हारी माँ हूँ जरा मुझसे बात तो करो फिर जुरेज अपने दिल में कहने लगे ए अल्लाह एक तरफ मेरी माँ है जो मुझसे मुलाकात करना चाहती है और दूसरी तरफ मेरी नमाज है अब मैं नमाज को तोड़ूं या नमाज को जारी रखू जब कुछ समझ में ना आया तो जुरैज अपनी नमाज में मशगूल रहे वालदा ने इंतजार किया और वापस चली गई इस तरह दो दिन हुआ इतफाक किया कि तीसरे दिन फिर या तीसरी बार फिर जब उनकी वालदा आती हैं तो जुरेज फिर नमाज ही पढ़ रहे हैं इस बार मां ने बड़े जोर दे करके आवाज दिया है जुरैज मैं तुम्हारी मां हूं मैं तुम्हें देखना चाहती हूं ज़रा अपना चेहरा निकाल कर मुझे दिखा तो दो अपनी माँ की बात का जवाब तो दो माँ प्यार भरी आवाज़ में प्यार भरे अंदाज में उन्हें पुकार रही है लेकिन जुरेज फिर यही कह रहे हैं कि ये अल्लाह एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी नमाज है मैं अपनी माँ का जवाब दूँ या कि नमाज में मशगूल रहूँ अलाकुल हाल उन्हें यही समझ में आया कि नमाज मुझको जारी रखे उनकी वालदा मायूस होकर के वापस गई लेकिन चूंकि नाराजगी थी और दुनिया के लिहाज से नाराज़ होने का हक है उन्होंने कहा कि ए जुरेज मैं तीन दिन से या तीन बार से तुम्हें पुकार रही हूँ लेकिन तुम मेरी बात का जवाब नहीं देना चाहते ए अल्लाह तबारक तआला इसे तू ऐसे हालत में मौत दे ऐसे वक्त मौत दे कि उससे पहले वो जानिया औरतों का मुंह देख चुका मां ने यह कहा और वापस चली गई हरते जुड़े अपने काम में मशगूल रहे उन्हें यह कुछ पता नहीं कि मेरी माँ क्या बददुआ दे करके जाती है उधर हुआ यह कि बनु इसराइल में एक बदकिरदार औरत थी शक्लो सूरत से अल्लाह ने उसे अच्छा बनाया था डील ढोल जिसम उसका अच्छा था लेकिन उसकी शूमिया किस्मत कि वो बदकिरदारी के अंदर बुरे लोगों का साथ इख्तियार की और जरा के अंदर मुबतला थी एक बार वो अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ तरगलियाँ मना रही थी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे तो उसने कहा क्या ख्याल है मेरी खूबसूरती के बारे में मेरी खूबसूरती तो यह है कि मैं जुड़ेज जैसे आबिद इसलिए कि जुड़ेज की इबादत उस तो वक्त मशहूर थी लोगों में अगर चाहूं तो जुड़ैज जैसे आबिद को भी धोखा दे दूं उसे भी अपने दामे फरे में फंसा दूं लोगों ने कहा तू तो ये कर सकती है तो कर बल्कि शायद उसको उबारा भी हो उसे इनाम की लालच भी दी हो आला हाल वो चरवाहे का भेष बदलती है कि हम बकरियां चरा रहे हैं और आ करके जुनेद की कुटिया के पास खड़ी होती है और जुरेज को आवाज देती है जुरेज 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 लेकिन जुरेज अपनी नमाज में मशगूल है क्योंकि यह उनकी वालदा की आवाज नहीं है अपनी इबादत में मशगूल है लिहाजा उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया यहां और वो मायूस हो गई मायूस हो गई तो उसने अपना हरबा एक और इस्तेमाल किया वो ये क्या कि वहां पर एक चरवाहा भी रहता था जो अपनी बकरियां को इधर उधर चराया करता था और जब उसे आराम करना होता तो बकरियां लाकर एक जगह पर रखता और आ करके जुरेज राहिब के जो कुटिया बनी हुई थी जो सोमा था उसी के साय में आराम करता इसे औरत ने गनीमत समझा उस चरवाहे को लुभाने लगी और इसमें कामयाब हो गई और चरवाहे ने उसके साथ दिना किया अब अल्लाह की मसले ये कि इस बार जिला से वो हामला हो जाती है अब जब हामला हो जाती है तो अब उसका एक आयब है जो लोगों से छुप नहीं सकता हत्ता कि उसे नाजायज औलाद हुई जब नाजायद औलाद हुई तो लोग उसे डांटने लगे फटकारने लगे अयब दिलाने लगे कि तूने यह क्या किया ये किसके औलाद है उस बदबक ने साफ अल्फाज में कह दिया कि ये बेटा जुरेज राहिब का है जो इबादत गुजार जुरेज है ये उसका बेटा है उसने मेरे साथ जिना किया और मैं हमल से हुई और उसका बेटा है। लोगों का ये सुनना था कि लोग गुस्से में आ गए चुनावे कुदाल लिया फौड़ा लिया और भागे जुरेज के सोमा को ढाने लगे कहा कि अय ए, ए बतकीदार तू नेक बना हुआ है नेकों का भेष इख्तियार किए हुए और तू क्या क्या गलत काम करता है जुरेज ने पहले तो उनकी बातों का कुछ भी जवाब नहीं दिया और अपनी इबादतगाह के अंदर मशगूल रहे लेकिन जब जुरेज ने देखा कि ऐसा लगता है कि ये लोग अब मुझे बगैर मेरी इबादतगाह को ढाए हुए नहीं रहेंगे चुनाचे रस्सी पकड़ी जिससे उतरते थे उस रस्सी को पकड़े और नीचे आ गए नीचे आ करके लोगों से कहा आखिर मेरा जुर्म क्या है लोग सुनने पर तैयार नहीं है लोगों ने उनको बांधा लेकर के शहर गए उस औरत को लिया और दोनों को मारते पीटते पूरे शहर में घुमाते रहे और उन्हें ऐप दिलाते रहे तू तो इबादत गुजारों का भेष अख्तियार किए हुए तो नेक बना हुआ है और ऐसा बुरा काम करता है वो लाख अपनी सफाई पेश करते रहे लेकिन कोई असर लोगों पर नहीं हो रहा है यहां तक कि वो लोग शहर में और गलियों में घुमाते घुमाते उस इलाके तक पहुंच गए जिस इलाके में बद किरदार्हाशा और तवायफ जिसे हम कहते हैं वो औरतें रहा करती थी उन औरतों ने भी जब शोर सुना तो बाहर निकल करके देखने लगी तो देखा कि जुरेज राहि जो मशहूर हैं और एक औरत है लोग उनको डांटते मारते जा रहे हैं जब जुरेज ने उन औरतों को देखा कि हमारी तरफ देख रही हैं तो उन्हें देख करके जुरेज मुस्कुरा दिए और हंसने लगे लोगों को इस पर बड़ा ताज्जुब हुआ ये क्या मामला है जुड़ेज हंस रहा है और इन फाहिशा औरतों को इसका मतलब यह है कि यह बदकिरदार है इन औरतों से भी इसके गलत तल्लुत हैं हला हालांकि हलाकुल्लिहा लोग उसे मारते हुए हाकिम वक्त के पास ले गए उन लोगों का दस्तूर यह था कि अगर कोई जिना करता तो उसे कत्ल कर दिया जाता हाकिम ने भी कहा कि जुड़ैज हम तो तुम्हें बड़ा नेक समझते थे हम तो तुम्हें अल्लाह का बंदा समझते थे लेकिन तुमने ये क्या काम किया जुरेज सफाई देते रहे लेकिन उस औरतर कर रही है बच्चा भी वहां पर मौजूद है लिहाजा हाकिम ने हुक्म दिया कि ले जाओ और इसे सूली पर लटका दो जब जुरेज ने देखा कि मामला अब आखिर को पहुंचा हुआ है तो उसने कहा कि जरा वो बच्चा कहाँ है? उसको लेकर के आओ वो बच्चा लाया गया जुरेज ने वजू किया वू करके दो रखात नमाज पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक वाले से दुआ की और दुआ करने के बाद जब फारिग हुए तो उस बच्चे के पेट में अपने हाथ से मारा और कहा कि अय बच्चे तू बता तेरा बाप कौन है अल्लाह तबारक वाला उस बच्चे को गोयाई गोया फरमाता है और बच्चा कहता है कि मेरा बाप फला चरवाहा है यानी जुरेज मेरे बाप नहीं है मेरा बाप कौन है फला चरवाहा है यह सुनना था कि लोग दंग रह गए लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई अब जहां जुरेज को मार रहे थे गालियां दे रहे थे ऐप दिला रहे थे उन्हें सूली पर लटकाने ले जा रहे थे अब लोग उनके हाथ पैर चूमने लगे उनसे बरकत हासिल करने लगे मादरत करने लगे यहां तक कि हाकिम वक्त के पास ले गए अब लोगों ने और हाकिम वक्त ने कहा कि जुरैज अब हम तुम्हारे सोमा को तुम्हारी कुटिया को तुम्हारे इस गिरजाघर को हम सोने और चांदी से बना देते हैं जुरैज ने कहा कि नहीं मुझे सोने और चांदी की जरूरत नहीं है मेरा सोमा मेरी कुटिया जैसे ही पहले मिट्टी की थी वैसे ही आप लोग मिट्टी की बना दें बस यही इतना काफी है चुनाचे उनका सोमा मिट्टी से बना दिया गया और फिर दोबारा उसमें इबादत करने लगे बहनों और भाइयों एक किस्सा है हमें अब यह देखना है कि आखिर हमें इससे क्या फायदा मिल रहा है हमें इससे क्या सबक मिलता है हम अपनी जिंदगी में इससे किस तरीके से किसी किस्म का तगैर और तबद्दुल ले आ सकते हैं इस सिलसिले में चंद नुकते हमें आपके सामने रखने हैं पहली बात या पहला फायदा जो हमें और आपको इससे मिल रहा है वो ये कि वलियों की करामत बरहक है यह हजरत जुरेद की करामत ही थी कि अल्लाह तबारक वाला ने उस बच्चे को गोयाई अता फरमाई जबकि हरत जुरेद ने वजू किया और दो रकात नमाज पढ़ करके उस बच्चे को पेट में मारा तो उस बच्चे को अल्लाह तबारकाना गोजाई दे दी वो बात करने लगा इससे हजरत जुड़ैद की पाकबाजी साबित हो गई और अल्लाह ताला ने इस तरीके से उनकी मदद की और जैसा कि ये बात कई बार गुजर चुकी है कि करामत का फायदा बसा बसावकात उस बंदे की तईद होता है उसकी मदद होती है और बसा अवकात उससे उसकी सफाई का इजहार होता है और बसा औकात उसकी साबित कदमी का सामान होता है दूसरा फायदा माँ की अहमियत जिसे हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए आज अपनी जुबान से तो हर शख्स माँ की अहमियत का इकरार करता है हर शख्स माँ की अहमियत को मानता है लेकिन अमली तौर पर माँ की इत मे हौसने सलूक माँ की खिदमत माँ की रजामंदी की तलाश ये चीजें लोगों में मफकूद नजर आती है लोग अपनी बीवी को मां से आगे रखते हैं अगर टेलीफोन करना हो तो पहले अपनी बीवी या औरतें अपनी सहेली को टेलीफोन करेंगी फिर कहीं जाकर के माँ को टेलीफोन करेंगी नहीं माँ की अहमियत को जाने माँ को अल्लाह तबारक वाले मकान दिया है कि अगर बंदा नमाज भी पढ़ रहा है और माँ इसी पर प्रभाप को भी कयास किया जा सकता है अगर फर्द नमाज नहीं है तो उस नमाज को तोड़ करके मां की बात का जवाब देना है इसीलिए इसी, इसी किस्से के बाद तुरुक में है जो सही सनस से नहीं बल्कि दईब सनस से कि आप सलम ने इर्शाद सुनवाया लौकाना जुरेज फकीर है अगर जुरेज फकीर होते समझदार होते इल्म रखते तो ये समझते जुरेज की माँ की बात का जवाब देना माँ की बात पर लब्बैक कहना यह नफली नमाज को जारी रखने से बेहतर है इसीलिए कहते हैं कि बंदा अगर नमाज पढ़ रहा है और वालिदैन में से कोई आवाज दे और वो नमाज नफली है और ये समझता है कि फैलन वालिद और जरूरत जरूरतमंद है तो उसके ऊपर वाजिब है कि अपनी नमाज को तोड़ करके वालिद और वालिदा की बात सुने ये मकाम अल्लाह तबारक तआला ने वालिद और वालिदा का रखा है चौथा अहम फायदा वालिदेन के साथ हुस्ने सलूक की अहमियत ये वालिदा की अहमियत यह क्या वाले के सुलूक हुस्ने सलूक का मामला क्या है यानी जैसा कि हमने इससे पहले भी कहा कि उनकी खिदमत के बारे में उनकी जरूरियात का ख्याल रखने के बारे में उनकी दिलजोई के बारे में बल्कि अगर वो ये चाहते हैं कि मेरे पास बैठे मुझे उसके बैठने पर खुशी होती तसल्ली होती है वो मेरी जियारत करे तो अगर कोई दुनियावी बड़ा नुकसान का मामला नहीं है तो बेटे और बेटी के ऊपर वाजिब है कि वालदेन के साथ बैठे इसलिए कि इसमें कोताही का जो खसारा हो सकता है जो बड़ा नुकसान हो सकता है उनमें से एक नुकसान यह है कि ऐसे मौके पर अगर दिल जल करके वालदेन कोई बदवा करें तो उनकी बददुआ बच्चे को लग सकती है जिस तरीके से जुरेज की वालदा ने उनके लिए बदुआ की तो वो बदुआ उनके ऊपर लगी इसीलिए जब लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर आपने उन फाहिशा औरतों को देख करके क्यों मुस्कुराया क्यों हंसे हैं तो बताने लगे कि मुझे मेरी वालदा की बदुआ याद आ गई और इस वजह से मैं मुस्कुराया हूं इसीलिए नबी करीम वसल्लम ने वालिदैन को ही मतनबे करते हुए फरमाया हमें यह धन में रखना चाहिए वालिदैन को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी बात पर नाराज होते हैं तो अपने बच्चों के लिए बददुआ करें और अगर बद करें तो हल्की बद दुआ करें इसलिए कि जुरेज की वालदा ने यह बददुआ नहीं की कि वो जिना करके मरे

अपने माल को बदुआना दो चाहे गाड़ी की शक्ल में है चाहे जानवर की शक्ल में है चाहे घर की शक्ल में है अपने माल को बदना दो हो सकता है कि तुम्हारी बददुआ तुम्हारी जुबान से ऐसे वक्त में निकल रही है कि तुम्हारे दिल में इखलास हो और अल्लाह तबारक तआला की तरफ से यह दुआ की कबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाए जैसे कि हजरत जुरेद रहमहुल्लाह की वालदा की दुआ अल्लाह ने कबूल फरमाई दूसरी चीज और अगर बदुआ दे भी तो ऐसी बदुआ नहीं जिनमें उनके दीन उनके ईमान उनके माल की तबाही और बर्बादी का मामला हो इसलिए कि दें तो हल्की किस्म की होनी चाहिए जबकि ऐसा नहीं है चौथा फायदा साथियों फितनों के वक्त में अल्लाह तबारक तआला अपने मुखलिस और सच्चे मोमिन बंदों की दुआ कबूल करता है फितनों में पड़ने से अल्लाह तबारक तआला अपने मोमिन बंदों को बचाता है लिहाजा आम हालात में हमें अल्लाह तबारक तआला को नहीं भूलना चाहिए जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है रखा तुम आसानी के वक्त में आराम के वक्त में खुशादगी के वक्त में अगर अल्लाह तबारक तआला को पहचानोगे तो मुश्किल वक्त में अल्लाह तबारक भी आपको पहचानेगा हजरत यूनुलात की दुआ अल्लाह ने मुश्किल वक्त में क्यों कबूल की अल्लाह ताला फरमाता है फलाउला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन अगर वो तस्बीह करने वालों में ना होते हते जुरेज की दुआ अल्लाह ने क्यों कबूल की इसलिए कि ये आम हालात तो में अल्लाह तबारक व तआला के एक आबिद बंदे थे तो कहने का मतलब यह है अल्लाह तबारक व तआला फितनों के वक्त में अपने मोमिन बंदों की मदद करता है लिहाजा अल्लाह व तआला से आम हालात में भी अपने ताल्लुक को अल्लाह तला से जोड़े रखना चाहिए पांचवी चीज इससे जुड़ैद रहमहुल्लाह की फजीलत साबित होती है और अल्लाह तबारक तआला पर उनका यकीन साबित होता है अल्लाह के साथ हुसन जन और यकीन की बड़े वाजह दलील है इसलिए कि वो बड़ी थे अपनी बारात पर उनका ईमान था और उनको यकीन था कि यकीनन अल्लाह तबारक तआला हमारी हिफाजत करेगा हमारी मदद करेगा इसीलिए वजू किया वजू करके दो रक़ात नमाज पढ़ी और जब अल्लाह ताला पर कुत यकीन की वजह से और यकीन से दुआ की और बच्चे के पेट में हाथ मार करके कहा कि तेरा बाप कौन है तो अल्लाह तबारक वाली उसे गोजाई अता करता है कि मेरा बाप जुरेज नहीं मेरा बाप फला चरवाहा है छठा फ़ायदा हमें यह नहीं भूलना चाहिए जो पहले फायदे से मिलता जुलता है वो ये है कि अल्लाह तबारक व ताल अपने वलियों की मदद जरूर करता है

यकूम अशहाद और जिस दिन गवाहियां पेश की जाएंगी यानी आखिरत में भी तो अल्लाह तबारक वाला अपने मोमिन बंदों और वलियों की जरूर मदद करता है जैसा कि इस, इस किस्म के बहुत से वाकत सीरत के अंदर और हदीस की किताबों में ऐसे वाकत मरवी हैं इसी तरीके से एक बड़ा अहम फायदा ये और ये गौर करने की चीज है कि मुश्किल वक्त में नमाज बंदों का बहुत बड़ा सहारा है परेशानी में नमाज बंदों का बहुत बड़ा सहारा है इसीलिए देखेंगे जब भी मुश्किल वक्त आता है जब भी बंदे मुश्किल के अंदर फंस जाते हैं तो अल्लाह तबारक से दुआ के लिए सबसे पहले नमाज में खड़े होते हैं नमाज पढ़ते हैं नमाज पढ़ लेने के बाद दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक तआला उनकी दुआ कबूल करता है इसी तरीके से एक और बड़ा फायदा ये कि वजू करना और नमाज पढ़ना ये सिर्फ मुसलमानों और इस उम्मत के साथ खास नहीं है बल्कि वजू और नमाज तमाम नबियों के शरीयत के अंदर रहा है वो वजू भी करते रहे हैं नमाज भी पढ़ते रहे हैं अलबत्ता वजू के असर से आजाय वजू का चमकना यह इस उम्मत की खासियत है उम्मत मुसलिमा की खासियत है वरना वजू करना और वजू करके नमाज़ पढ़ना ये अल्लाह तबारक व तआला के तमाम नेक बंदे या नबी गुजरे हैं उनकी शरीयत में रहा है जैसा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी हजरतें सारा के बारे में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने के लिए उन्होंने वजू किया नमाज़ पढ़ी और अल्लाह तला से दुआ किया तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई इसी तरीके से हमें ये जहन में रखना चाहिए कि माओं को अपने बच्चों के साथ नरमी का बर्ताव करना चाहिए उनके साथ सख्ती ना करनी चाहिए गलती होती है भूल हो जाती है और बसा औकात ये गलती गलती की नीयत से नहीं होती बसा औकात ये गलती जिहालत की बुनियाद पर होती है बसा औकात ये गलती नादानी की बुनियाद पर होती है इसलिए बच्चों के साथ नरमी का बर्ताव करें सब्र से काम लें अल्लाह तबारक तआला ने सब्र का फल वाह अच्छा रखा है सब्र का फल मीठा रखा है जिस तरीके से देखिए कि जुरेद के लिए माँ ने बदुआ की हालांकि ऐसे कोई गुनाह नहीं हुआ था जान बूझ कर उन्होंने वालदा की नाफरमानी नहीं की थी बस ये नहीं समझ सके कि आया हमें वालदा की बातों का जवाब देना मेरे लिए अफजल है या कि अपनी नमाज को जारी करना अफजल है और आखिरी फायदा गुनहगारों की सोहबत का मैसर रहना या बुरे लोगों को देखने पर मजबूर होना यह अल्लाह तबारक वाल की आजमाइश भी हो सकती है और आदा भी हो सकता है जैसा कि कुछ लोग आज गंदी फिल्में और गंदी तस्वीरें देखने के आदि होते हैं बल्कि दीनी मरीजों को छोड़ करके खेल ड्रामे वगैरह देखते रहते हैं ये उनकी बदनसीबी है और बहुत से लोग ये ना चाहते हुए भी ये चीजें देखने पर मजबूर होते हैं ये गोया अल्लाह तबारक वाली का उनके ऊपर आजाब है अल्लाह तला का उनके ऊपर फटकार है तो एक लोगों की सोहबत मयसर आना ये अल्लाह तबारक तआला की आजमाइश और अदाब भी हो सकती है जो रेट के साथ अल्लाह तबारक वाल तबारक आजमाइश में बर्दाश्त ना कर सकें अल्लाह ताला हमारी तमाम माओं को अपने बच्चों के साथ नरमी का बर्ताव करने और बच्चों को वालिदैन के साथ सुलू की तौफीक अता फरमाए व बरकातहू ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें